क्या कॉइन DCX एक्सचेंज यूज करना सेफ है या नहीं, या फिर कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर लैंडिंग करना या फिर स्टेकिंग करना सेफ है या नहीं, क्या कॉइन DCX एक्सचेंज वर्ल्ड की तरह जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे जूझ सकता है, इन सभी का जो रिप्लाई है जो कॉइन DCX के CEO है सुमित गुप्ता जी उन्होंने आंसर किए हैं। जो लैंडिंग पे आपको यहाँ पे जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इनकी इंटरेस्ट दिया जाता है, ये कहाँ से दिया जाता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, किसी को लोन भी दिया जाता है, या फिर आपके फंड के साथ किया क्या जाता है एंड कितना वहां से वो अर्न करके आपको देते हैं, सो डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर कमेंट नहीं किया है प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। 6-7 महीने से जो क्रिप्टो मार्केट में हो रहा है ओवरऑल, राइट, थोड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है, राइट, अनफॉर्चुनेट इसलिए बिकॉज सबसे पहले वो USDT टेरा इकोसिस्टम बहुत ग्रो कर रहा था, राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन टेरा बिकॉज ऑफ 18% 20% APY, राइट, एंड स्टेबल पे 20% बहुत होता है अगर आप देखेंगे जब से। सो हुआ क्या ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बहुत पैसा आया, राइट, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर प्रिंटेड, राइट, एंड दैट इज नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रहा है, मार्केट से पैसा जा रहा है, सक हो रहा है, एंड द वे टू डू इज बाय इंक्रीजिंग द, फॉर एग्जाम्पल फेड ने रेट बढ़ाया, राइट, अभी 1.75 टाइप्स को चल रहा है, वो बताता सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट। तो अपन ने लूना वाला डिस्कशन किया था, देयर वर लॉट ऑफ फर्म्स हु हैड एक्सपोजर इन यूएसडी और लूना, राइट, वहां पे आया, सो 3SE वाज फर्म, सेल्सियस वाज अनदर फर्म, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव टेकन एक्सपोजर इन दैट, दोस कंपनीज गॉट अफेक्टेड, कॉइन DCX हैज नॉट टेकन एनी एक्सपोजर इन एनी ऑफ दोस कंपनीज, राइट, सो एंड अगेन आई विल प्रूव इट विद डेटा पॉइंट्स एज वेल, राइट। तो ओवरऑल देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल विद कॉइन, जस्ट वांट टू हाईलाइट इट, एंड ऐसा नहीं कि बोल दिया और फिर 10 दिन बाद आके मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, एक महीने बाद आके बोल रहा हूँ, मुझे पता है एंड आई नो बिकॉज आई एम सेइंग इट, राइट, एंड आई वुड नॉट वांट टू से इफ आई यू नो इफ आई नो सम लाइक आई वुड वांट टू बी वेरी ट्रू टू द कम्युनिटी, राइट। तो हमें पता है कि यू नो व्हाट द स्टेटस इज एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनी सारी चीजें यू नो वी आर ऑन टॉप ऑफ इट, राइट, एंड वी हैव टेकन कॉन्शियस कॉल couple of years back that we as a company will never take exposure in any asset. For example, galti kar rahe ek baar galti samajhte logon ne kya kiya, there are primarily, again I will not name them, two cheezein galat hui hain, right, jo ki hum logon ne kabhi ki bhi nahi, right, wo batata hu. To agar aapne user se USDT mein deposit kiya, aap as an exchange cannot change it to USDC or USD and deploy. Companies who have done this mistake, this is called cross asset conversion. Companies who have done this mistake, उनको नुकसान हुआ है, हम लोगों के प्रोसेस में नहीं है, right? Because it is sitting on exposure, USDC दिया, जब मैं आपसे लूंगा तो USDC लूंगा ना, right? यहाँ पे अगर आप उसको चेंज करते हो ना तो बहुत बड़ी रिस्क होती है एज अ कंपनी, हमने कभी इसको नहीं किया, so there is that risk is not on us at all, right? दूसरा पॉइंट ये होता है जब आप प्लेटफॉर्म होते हो तो होता क्या आपके पास एसेट्स पड़े होते हैं, राइट, आपने बिटकॉइन का एसेट पड़ा हुआ है, लेट्स से अभी किसी ने क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग किया, बिटकॉइन इथर में ट्रेडिंग हुआ, अब हमारा फीस तो INR में नहीं आएगा, हमारा फीस तो इथेरियम में आएगा, राइट, या बिटकॉइन में क्रिप्टो में आता है, तो उसको हमारे पास प्रोसेस सेट है बहुत पहले कर रखा है कि आप उसको डेली प्रोसेस सेट है कि आप डेली रिकंसिलेशन करोगे, यू वी एज अ कंपनी विल नेवर टेक, फंडामेंटली इट इज देयर, वी एज अ कंपनी विल नेवर टेक एक्सपोजर इन एनी वॉलेटाइल एसेट बिकॉज हमारा बिजनेस वो है नहीं, हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म चलाना, हमारा बिजनेस एक्सपोजर लेना नहीं, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो हमने वो कभी किया ही नहीं, दैट इज द रीजन एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव बिल्ट, वी हैव सीनियर पीपल हु हैव बीन विद बैंकिंग एंड BFSI सेक्टर, उनको पता है क्या चलता है क्या नहीं, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, जस्ट टू टेल यू द कंपनीज दैट डिड नॉट और मेड मिस्टेक्स, दिस इज यील्ड एज अ बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मींस सर्टेन पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, SOP, फॉर एग्जाम्पल whenever you are this is one example, aap kisi ek asset ko dusre asset mein convert nahi karte otherwise wo exposure aa jata, margin product mein kya hota hai ki margin product mein user take margin and you charge a certain interest, ye yield wahan se aata hai, so safety is this that the crypto VDA is not moving outside the platform, you have full control, this is where you have liquidation, right, whenever the price goes up we have that margin product, so hame zarurat hi nahi padi, in fact hamara jaise USDT pe margin hota hai, USDT pe aap kamate ho, राइट, आप 20% 18-20 और उतना आप कुछ पार्शियल यूजर को देते हो, सम फंड्स गेट यूज, सम फंड्स डोंट गेट यूज, दैट इज वेयर वी डू द रिस्क मैनेजमेंट विच इज डिफरेंट देन अदर प्लेटफॉर्म्स, वी डोंट इवन नीड टू गिव इट टू अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म, राइट, हमारे इंटरनल वो चलता है, सो एज अ बिजनेस व्हाट वी आर एज अ बिजनेस इट्स अ एक्सचेंज वेयर पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग इज व्हाट आवर कोर इज नॉट टेकिंग एक्सपोजर इन अ एसेट और समवेयर वेयर यू नो वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वी हैव नेवर लेंट इट आउट,
टू एनी कंपनी जहां पे हमें पता नहीं वहां पे चल क्या रहा है. सो दीज इंटरेस्ट रेट्स आर डिपेंडेंट आर डायनेमिक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस रिस्क फ्री ऑप्शंस. वी डोंट वांट टू टेक इवन एन आयोटा ऑफ रिस्क विद दैट राइट. देयर आर स्टेकिंग. स्टेकिंग में दिक्कत नहीं है राइट. फॉर एग्जांपल मार्जिन. मार्जिन में कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स अपडेट होंगे. अ बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. व्हाट यू डू यू हैव सर्टेन फंड्स एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क.